नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे आप जानते हो, आज बहुत ही शुभ दिन है। क्या है? तो आज हम भागवतम चैतन्य चतुर्मिता से श्लोक पढ़ेंगे, ये स्थापित करने के लिए कि राधा रानी कौन है। श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 28। अन्याराधिता नूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदम प्रीतो याम अनायास राहम अनायासादितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा जनो विहाय गोविंद प्रीतया मनयल्लहु अनायासादितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा जनो विहाय गोविंद प्रीतया मनयल्लहु अनायासादितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीतया मनयल्लहः। ॐ ज्ञानसुभिर्दास्य ज्ञानाञ्जनाशोकय चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण ये श्लोक जो आपने अभी सुना, ये श्लोक हमें दसवें स्कंद में प्राप्त होता है। और आज जैसे आप जानते हो, बहुत ही शुभ दिन है, राधाष्टमी। आज के दिन श्रीमती राधा रानी जी प्रकट हुई थी। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा, राधा रानी की आयु 15 दिन कम है भगवान से। साधारण व्यक्ति राधा रानी जी की स्थिति को समझ नहीं पाता, और चैतन्य चैतन्यता में भी अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा राधा रानी जी की दिव्य स्थिति स्थापित होती है। राधा रानी जी कौन है? कई लोग कहते हैं राधा रानी का वर्णन भागवत में है ही नहीं, इसलिए हम राधा रानी जी को नहीं स्वीकार करते। उनका कहना है, अगर भागवत में राधा रानी जी का वर्णन नहीं है तो हम उन्हें उनकी दिव्य स्थिति को स्वीकार नहीं करते। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक के द्वारा राधा रानी का वर्णन है, और भगवान की रासलीला का वर्णन दसवें स्कंद के 30वें अध्याय में 29वें अध्याय में आरंभ होता है। क्यों? आप देखते हो कि कथाकार सीधा दसवें स्कंद में पहुंच जाते हैं, रासलीला का वर्णन करते हैं। पर सुखदेव गोस्वामी
पहले 9 स्कंदों में स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान कौन है, और आगे के अध्यायों में भी ये स्थापित कर रहे हैं। रासलीला का वर्णन आरंभ होता है 29वें अध्याय में, ये श्लोक जो आपको पढ़ के सुना है 30वें अध्याय में। भगवान रासलीला कर रहे थे अपने प्रिय भक्तों के साथ। जो गोपियां हैं कौन है, कौन है भगवान की सबसे प्रिय भक्त, और इन सब गोपियों में सबसे प्रसिद्ध कौन है, श्रीमती राधारानी। तो हम आपको कुछ श्लोक पढ़कर सुनाएंगे चैतन्य चतुर्विधा से, जिसमें यही विषय और गहराई के साथ स्थापित होता है। अभी हम आदि लीला 4 अध्याय श्लोक नंबर 214 पढ़कर सुनाएंगे। ट्रांसलेशन होंगे, अनुवाद। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर हैं। समस्त गोपियों में श्रीमती राधारानी सर्वाधिक उन्नत हैं। वे सबसे सुंदर और सबसे योग्य हैं, और इनके इनसे भी बड़ी बात यह है कि वे कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी हैं। आपको 3-4 श्लोक और सुनाएंगे। 162। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी कामवासना नहीं होता। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। 170। यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। तो इन श्लोकों के द्वारा हमें राधा रानी जी के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भगवान की 70 करोड़ गोपियां हैं, लगभग 70 करोड़ से भी ज़्यादा। इन 70 करोड़ में 6108 सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन 108 में 8 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, 8 में 4 ज़्यादा प्रसिद्ध है। 4 कौन है? राधा रानी, चंद्रमणि, ललिता और शारदा। और इन 4 में 2 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और इन 2 में राधा रानी सबसे प्रसिद्ध है। तो ये जो गोपियाँ हैं, ये भगवान की भक्त हैं। इनके हृदय में एक ही भाव है, भगवान की सेवा। साधारण व्यक्ति सोचते हैं कि राधा कृष्ण का जो संबंध है ये किसी भौतिक संबंध के समान है, फिर ये बिल्कुल गलत है। राधा कृष्ण का जो संबंध है बहुत ही उत्तम कोटि का है, और राधा रानी के हृदय में सदा एक ही भाव रहता है। क्या है वो भाव? भगवान की, कृष्ण की सेवा। कहाँ अज्ञानता के प्रभाव में लोग सोचते हैं ये कोई भौतिक रिश्ते जैसा है। तो चैतन्य चतुर्विधा द्वारा आप देखते हो कि राधा रानी जी का जो भाव है सबसे उत्तम भाव है, और ये जो गोपियाँ हैं इनके हृदय में एक ही इच्छा रहती है, क्या? भगवान की सेवा। तो हम राधा रानी जी की उपासना करते हैं कि राधा रानी जी अत्यंत दयालु हैं, भगवान की सबसे प्रिय भक्त है, सबसे प्रिय सब भक्तों में।
राधा रानी जी इतनी दयालु हैं जो वो कहती हैं भगवान से इसे स्वीकार कर लो, भगवान क्या करते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो राधा रानी को हमें कोई साधारण औरत जैसे नहीं समझना चाहिए। राधा रानी जो है सबसे उत्तम कोटि की भक्त है। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्यों राधा रानी का वर्णन नहीं किया? विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं राधा रानी का एक और नाम है वेदों में भी राधा रानी का नाम छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि राधा रानी जी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुद्ध भाव रखना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम का उपदेश दिया था और सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो गोपियों का की चर्चा करेंगे तो उनके हृदय में ऐसा भक्ति भाव आएगा कि वो भागवतम की रचना कर नहीं पाएंगे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का वर्णन नहीं किया और इस श्लोक में भी इनडायरेक्टली वर्णन कर रहे हैं राधा रानी का। भगवान रासलीला कर रहे थे और भगवान ने देखा कि गोपियों के हृदय में बड़ा गौरव आ रहा है कि हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं। और भगवान ने क्या किया? भगवान तुरंत ही वहाँ से अप्रकट हो गए। और जो गोपियाँ हैं भगवान को ढूंढ रही थी, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए कृष्णा, कृष्णा कहाँ गए। और ढूंढते ढूंढते उन्होंने जंगल के सब पेड़ों से, पत्तों से, फूलों से सबसे पूछा तो कृष्ण भगवान को देखा यहाँ जाते हुए। और फिर वो जब ढूंढ रहे थे उन्होंने क्या देखा? भगवान के फुटप्रिंट। तो फिर वो फुटप्रिंट के पीछे गए। जब फुटप्रिंट का पीछा किया तो फिर ये भी देख पाए साथ में एक और फुटप्रिंट था। वो समझ गए ये किसका था? राधा रानी का। तो परम भगवान जो हैं भक्तों के साथ ही अपनी लीलाएँ करते हैं और राधा रानी जो है भगवान की सबसे उत्तम भक्त है। राधा रानी का एक और नाम है हरिप्रिया, उनके अनेक नाम है। तो राधा रानी की इच्छा क्या है? कि सब भगवान की सेवा में जुड़े। और राधे रानी और गोपियाँ हर चीज़ को त्यागने को तैयार है। उनके मन में एक ही भाव रहता है जो भगवान को खुश करता है वो कार्य किया जाए। चैतन्य चरितमृत के श्लोकों में आपने देखा कि कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं राधे रानी सबसे उत्तम भक्त हैं और राधे रानी का जो संबंध है परम भगवान के साथ कोई भौतिक संबंध नहीं है, ये आध्यात्मिक संबंध। और उदाहरण दिया जाता है जैसे लोहा और सोना दोनों मेटल हैं पर सोना और लोहे में बहुत अंतर है। तो राधा रानी का जो संबंध है वो है असली प्रेम। और जो भौतिक समाज में हम जो सोचते हैं ये प्रेम है, प्रेम नहीं है, वो क्या है? काम वासना। तो हमें किसी स्थिति में ये नहीं सोचना चाहिए कि राधा रानी का जो संबंध है वो किसी रूप से काम वासना के संबंध है। यह है शुद्ध प्रेम। राधा रानी के जन्म के विषय में अनेक रचनाएं हैं
राधा रानी के पिता का नाम क्या था? ऋषभानु। माता का कीर्तिदा। ऋषभानु कीर्तिदा की संतान नहीं थी, उन्होंने तपस्या की और ऋषभानु महाराज तैर रहे थे यमुना में, जबकि एक लोटस पेटल, हजारों लोटस पेटल का फूल उनके पास आया, जिसमें एक छोटा सा बच्चा था, सुनार, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का। तो ऋषभानु ने उसे उठ लेकर घर चले गए, उनकी इच्छा थी संतान हो, और घर ले गए। घर गए तो उन्होंने देखा कि लड़की तो इतनी खूबसूरत है, सुनार रंग की, पर एक कमी है, क्या? देख नहीं सकती, अंधी है। तो नारद मुनि वृंदावन आए, पहले गोलोका में गए थे, वहाँ से आए वृंदावन, उन्हें पता लग गया था कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। वो आए, पहले हर घर में जा रहे थे, पहले नंद महाराज के घर में गए, जहाँ कि उन्होंने देखा कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। फिर उन्होंने वो समझ गए कि अगर भगवान प्रकट हो चुके हैं तो राधा रानी भी प्रकट हो गई होगी। वो घर घर जा रहे थे और ऋषभानु महाराज के घर में पहुँचे। ऋषभानु महाराज ने उनका स्वागत किया और नारद मुनि ने पूछा कैसी स्थिति है। सो ऋषभानु महाराज ने कहा, बेटी है बहुत खूबसूरत, पर अफसोस की बात है कि वो अंधी है, और आप आशीर्वाद दीजिएगा कि उसकी आंखें खुल जाए। सो नारद मुनि से क्या कहा, आशीर्वाद दो कि उनकी आंखें खुल जाए। तो उस थोड़ी देर के बाद यशोदा माता आई अपने बेटे के साथ और एक अपने गोद में भगवान कृष्ण को बिठाया हुआ था, और उन्होंने देखा कि राधा रानी खेल रही है, तो उसे अपने गोद में रखा, एक तरफ कृष्ण भगवान, दूसरी तरफ राधा रानी, और फिर भगवान ने उन्हें छू लिया। जब छुआ तो राधा रानी की आंखें खुल गई। राधा रानी ने पहला व्यक्ति जो देखा पृथ्वी पर कौन था? कृष्ण भगवान था। ये तो एक और कहानी है कि जब भगवान प्रकट हुए, प्रकट होने वाले थे, उन्होंने राधा रानी जी से कहा था कि मैं अभी प्रकट होने लगा हूँ। राधा रानी ने कहा, मैं नहीं जाना चाहती। भगवान ने कहा, तुम आओ भौतिक जगत में, सदा तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो ये कहने पर राधा रानी जी आए। तो राधा रानी ने अपनी आँखों के द्वारा पहला व्यक्ति जो देखा, कैसे देखा? भगवान कृष्ण को। दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को एक वर दिया था, क्या? कि जो भी तुम बनाओगे प्रसाद, ऐसा बनाओगे कि जो खाएगा वो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। तो राधा रानी के मन में एक ही भाव है, भगवान की सेवा।
और हमें किसी स्थिति में ये नहीं सोचना चाहिए कि राधा रानी साधारण औरत है और भगवान का जो संबंध है किसी प्रकार से भौतिक संबंध है। ये जो संबंध है ये आध्यात्मिक संबंध है और इसे सुन समझने के लिए हमें हमारे शुद्ध मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध बनाना पड़ेगा, तो ही आप इस संबंध को समझ सकोगे। जय राधे। वृंदावन में क्या कहते हैं? जय राधे। राधा रानी जी की कृपा मिलेगी तो फिर भगवान की कृपा भी मिलेगी। तो राधा रानी सबसे प्रिय भक्त है और उनके मन में एक ही भाव रहता है, भगवान की सेवा, और कोई भाव नहीं रहता। एक समय भगवान की सिरदर्द हो रही थी तो नारद मुनि वहाँ पहुँचे। नारद मुनि ने देखा भगवान जरा दुखी नजर आ रहे। नारद मुनि ने कहा, भगवान ने कहा, नारद मुनि मेरे सिर में दर्द हो रही है और अगर शाम तक मेरे भक्त के चरणों की धूल नहीं लाए तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरे भक्त के चरणों की क्या चाहिए? धूल। तो नारद ने कहा, आपके तो लाखों भक्त हैं, धूल लाने में क्या कठिनाई होगी? तो नारद मुनि गए सबसे पहले रुक्मिणी के पास। भगवान की सिरदर्द हो रही है, भगवान चाहते हैं क्योंकि भक्तों के चरणों की धूल उनके सिर में लगाया जाए। जैसे सिरदर्द हो तो आप बाम लगाते हो, तो उन्होंने कहा है अपने चरणों की धूल ला के दो। तो राधा रानी ने कहा हाँ। सत्य रुक्मिणी ने इनकार कर दिया, हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे में ये ठीक नहीं है। फिर किसके पास गए? रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी से भी यही कहा, फिर सत्य बाबा के पास गए। सत्य बाबा ने भी यही कहा, हमारे चरणों की धूल अगर भगवान के माथे में लगेगी इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। तो कईयों के पास गए, सब ने इनकार कर दिया क्योंकि शास्त्रों का वर्णन है कि अगर तुम्हारे चरणों की धूल भगवान को लगेगी, भगवान के माथे में जाएगी, तो उसका बुरा परिणाम है, अपराध है। तो सब ने इनकार कर दिया। नारद मुनि आश्चर्य हो गए थे, सब भगवान ने खड़ा था भक्तों के चरणों की धूल लाओ, जिसके पास मैं जा रहा हूँ सब इनकार कर रहे हैं। फिर नारद मुनि वापस गए, उन्होंने भगवान से कहा, मैं कईयों के पास गया, सब ने इनकार कर दिया। फिर भगवान ने पूछा, क्या तुम ब्रज के गोपियों के पास भी गए थे? उनसे तुमने पूछा कि उनके चरणों की धूल चाहिए? और नारद मुनि ने कहा, ये मैं भूल गया ब्रज में जाने के लिए। भगवान ने कहा ब्रज में जाओ। फिर नारद मुनि ब्रज में आए। जब वो ब्रज में पहुंचे उन्होंने देखा राधा रानी और गोपियां द्वारका की तरफ देखते हुए परम भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। यही देख रहे थे, द्वारका की तरफ बैठे थे देखते हुए, क्योंकि भगवान उस समय द्वारका में थे।
तो जब उन्होंने नारद मुनि को दिखाते हुए उन्होंने कहा स्वागत, कोई सूचना लाए हो भगवान से, कैसे हैं भगवान? तो नारद मुनि ने कहा सूचना यह है कि भगवान की बड़ी गहरी सिर दर्द हो रही है, और भगवान को क्या चाहिए? उनके भक्त के चरणों की धूप, इससे उनकी सिर दर्द दूर होगी। तो राधा रानी ने कहा लो हमारे चरणों की धूल, लो चरणों की धूल। और बाकी गोपियों ने भी कहा एक आवाज से सब ने लो हमारे चरणों की धूल। नारद मुनि ने कहा तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? कई और भक्तों के पास गया, सब ने इनकार कर दिया, और तुम लोग अपने चरणों की धूल दे रहे हैं, देने को तैयार हो, जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? राजधानी गोपी ने कहा चाहे कुछ भी परिणाम हो, चाहे हमें नरक में भी जाना पड़े, हमारे हृदय में एक ही भाव है। क्या है वो भाव? कृष्ण की खुशी। तो लो धूल, हाँ नरक में जाने को तैयार है। राधा रानी ने पूछा कि धूल कैसे उठा कर लेके जाओगे? नाथ ने कहा हमारे मैं अपने सिर पर उठा कर लेके जाऊँगा। तो जब गोपियों को ये भी कहा गया कि इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा, वो तैयार थे सेवा करने के लिए। तो जब नारद मुनि पहुँचे भगवान के पास, नारद मुनि ने ये लीला सुनाई, तो फिर भगवान ने क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा ना जो भाव राधा रानी और गोपियों का है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु एक समय बैठे थे अपने कमरे में और गोपी 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 का उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि गोपियों का जो भाव है, उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो त्याग है, वो कोई नहीं कर सकता, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो महाप्रभु गोपी 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 का उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी ये भाव उनमें हो। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन। राधा और कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो एक विद्यार्थी था उनके पास, वो कहने लगा क्या गोपी 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 बोल रहे हो, भगवान का नाम लो, गोपी गोपी बोलने में क्या लाभ? वो समझ नहीं पाया महाप्रभु का ऊंचा भाव, वो समझ नहीं पाया कि जो गोपियों का भाव है वो भाव हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो विद्यार्थी कहने लगा क्या गोपी गोपी कह रहे हो, भगवान का नाम लो। महाप्रभु इतने गुस्से हुए, उनका पीछा किया, वो विद्यार्थी भागकर अपने मित्रों के पास पहुंच गया, जहाँ हजार विद्यार्थी पाठशाला में संस्कृत पढ़ रहे थे। फिर विद्यार्थी ने वहाँ पहुँच कर कहा अपने साथियों से ये रे माई बहुत घमंडी हो गया है, गोपी 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 कह रहा था, मैंने उसे टोका, गोपी गोपी क्यों कहते हो, भगवान का नाम हरे कृष्णा बोलो, वो मेरे पीछे आया डंडी से मारने के लिए। तो विद्यार्थियों ने कहा अगर भविष्य में वो ऐसा करेगा तो हम उसको सीधा कर देंगे, वो निमाई अपने आप को सोचता क्या है। तो चैतन्य ने महाप्रभु ने देखा समाज की स्थिति को, उन्होंने कहा कि मैं तो प्रकट हुआ हूँ पतितों का उद्धार करने के लिए, यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग अपराध कर रहे हैं मेरी तरफ, और अगर मुझे प्रणाम भी करेंगे तो
तो उनका उनके पाप मिट जाएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या निर्णय किया, संन्यास लेने के लिए, क्योंकि भारत में कम से कम सन्यासी का प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। फिर महाप्रभु ने जाकर संन्यास ग्रहण किया। नारद मुनि एक समय भगवान के पास पहुँचे, वीणा को बजाते बजाते भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे उनकी वीणा से। भगवान ने कहा, नारद मुनि तुम बड़ा अच्छा संगीत, अच्छी तरह वीणा बजा रहे हो, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। नारद ने कहा, ठीक समय वर मांगूंगा, इस समय नहीं चाहिए कुछ। तो भगवान की से राधा रानी की सहेलियों ने एक झूले के उत्सव का प्रबंध किया था, और उस उत्सव में राधा और कृष्णा झूले में बैठने वाले थे। तो नारद मुनि वहाँ आया, नारद मुनि ने, राधा रानी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, नारद मुनि आए भगवान के पास। याद है आपने कहा था एक बार वर दोगे मेरा, हाँ मांगो क्या चाहे। मैं चाहता हूँ कि आप झूले में ललिता के साथ झूला। राधा रानी तैयार हो रही थी, मैं चाहता कि आप झूले में ललिता के साथ झूला करो। ललिता से जब कहा गया, ललिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, झूले में केवल राधा रानी आएगी। राधा मुनि ने कहा, अभी राधा रानी को तैयार होने में देर लगेगी, जब तक तुम झूले में चलो भगवान के साथ। तो भगवान ने ललिता को कहा, हम झूला करते हैं, जब राधी राधा रानी आएगी तो फिर वो बैठेगी झूले में। जब झूला कर रहे थे ललिता और भगवान, नारद मुनि वहाँ से प्रकट होकर राधा रानी जी के पास पहुँच गए और कहा, हाँ तुम तैयार क्यों हो रहे हो, झूले के उत्सव में हमने जाना है। भगवान हमारी राह देख, अरे देखो भगवान तो ललिता के साथ झूला कर रहे हैं, तो तुम्हारे जाने की क्या आवश्यकता। नारद मुनि राधा रानी के पास आना बकायदा आते थे, तो भगवान ने पहले कह दिया था राधा रानी को, सावधान रहना, तुम्हारे पास नारद मुनि बहुत ज़्यादा आने लगा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए हमारे रिश्ते में। तो जब राधा रानी ने देखा ललिता के साथ झूला कर रहे, तो राधा रानी क्रोधित हो गई और जंगल में चले गए। भगवान राह देख रहे थे राधा रानी की, वो नहीं आई वहाँ तक, फिर भगवान खुद आगे आए और राधा रानी को ढूंढने लगे। फिर जब राधा रानी मिली, भगवान ने कहा, आओ सब गोपियों ने तैयारी की है झूले के उत्सव के लिए, मैं क्यों आऊँ, तुम तो ललिता के साथ झूला कर रहे थे। फिर भगवान समझ गए ये नारद मुनि की शरारत। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि नारद मुनि कुछ गड़बड़ करेगा। नारद मुनि ने ललिता को कहा, मैंने नारद मुनि को वर दिया था, उन्होंने मांगा ये वर, वो देखना चाहते थे मुझे ललिता के साथ। फिर राधा रानी समझ पाए ये नारद मुनि की शरारत है। सो भगवान की अनेक लीलाएं हैं। मानसिक गंगा पहले बहुत बड़ा होता था, तो राधा रानी और गोपियाँ मथुरा जा रही थी अपने दूध दही इत्यादि बेचने के लिए। उन्होंने एक नाव ली थी जिसके
बोट में थे भगवान, तो उन्हें पता नहीं था। तो नाव में बैठ कर आगे बढ़ रहे थे और नाव बोटमैन ने नाव को रोक दिया बिल्कुल दरिया के बीच में। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे तो नाव आगे बढ़ेगी, ये तो नहीं बढ़ेगी। तो इन गोपियों ने जो थोड़ा वो दूध दही की वस्तुओं को ले जा रहे थे मथुरा में बेचने के लिए, थोड़ा उन्हें दे दिया। फिर बोट थोड़ी और आगे बढ़ी, फिर उसने रोक दिया। ये पुरानी नाव है, इसमें इतना वजन नहीं आ सकता। फिर इन गोपियों को फेंकना पड़ा दरिया में ये जो वस्तु ले जा रहे थे बेचने में। फिर थोड़ी देर आगे चलकर फिर रोक दी नाव, तूफान आ रहा था तेजी के साथ। जब तूफान आ रहा था, गोपियों ने पूछा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ओ बोटमैन ने कहा तूफान आ रहा है। भगवान राधा रानी ने भगवान को पकड़ लिया और फिर क्या देखा, ये बोटमैन कौन था, ये स्वयं भगवान थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक समय समाज में उनका बहुत ऊंचा स्थान था। उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा, सबसे प्रसिद्ध राज्य का शासन कर रहे थे। उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में, तो पहले रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी और फिर उनके भाई सनातन ने त्यागी। और चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार दोनों गए वृंदावन। महाप्रभु ने उन्हें यह आदेश दिया था, एक उन स्थानों को खोजो जहाँ भगवान ने अपनी लीला प्रकट की थी, दूसरा भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना और तीसरा मंदिरों का निर्माण। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो एक समय बहुत धनी थे। रूप गोस्वामी ने जब सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे, एक पूरी नाव भर गई थी उनके साथ और उन्होंने बांट दिया। पर जब वो वृंदावन गए क्या कर रहे थे, मधुकरी, घर घर जाकर थोड़ा थोड़ा मांगते थे, ये था उनका भाव। तो रूपा गोस्वामी की इच्छा थी कि अपने भाई संतान के लिए, सनातन के लिए अच्छी खीर बनाई जाए। पर वो तो एक दिन राधे रानी जी उनके घर में आई, उनकी कुटिया में, और राधे रानी खुद ही खुद चीनी दूध दही खीर की सब सुविधाओं को लेकर आए। और राधा रानी ने कहा मैं खीर बनाना चाहती हूँ, तुम मधुकरी करो जाके, मैं खीर बनाना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। राधा रानी की दुर्वासा मुनि से वर प्राप्त हुआ था कि वो जो प्रसाद बनाएगी उसकी तुलना कोई नहीं कर सकेगा। तो सनातन गोस्वामी आए दोपहर को प्रसाद खाने के लिए और उनके भाई ने क्या दिया, उन्हें ये खीर दी जो कि राधा रानी ने बनाकर चल पड़ी थी। रूपक गोस्वामी जब मधुकरी करके लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में तो कोई नहीं है, केवल मधुकरी केवल खीर तैयार है। तो जब सनातन गोस्वामी आए तो उनके भाई ने क्या किया, उनके भाई ने उनको खीर खिलाई। जब वो खीर खिलाई तो ऐसा सुगंध था उस खीर में कि सनातन गोस्वामी समझ पाए ये खीर कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं बनाई, खीर स्वयं भगवान ने बनाई होगी। तो सनातन ने पूछा भाई से
ये खीर की इतनी अच्छी सुगंध है, किसने बनाया ये खीर? और रूपा गोस्वामी ने पूरी कथा सुनाई। मेरी इच्छा थी आपके लिए खीर बनाने को, पर घर में कोई सुविधा नहीं थी। उसी समय एक खूबसूरत छोटी सी लड़की आई इन सब सुविधाओं को लेकर, और एक खीर बनाकर वो चल पड़ी। तो उनके भाई ने कहा, वो छोटी लड़की जो आई वो कौन थी? श्रीमती राधा रानी ने। तुमने राधा रानी से सेवा ली, ये ठीक नहीं है। भगवत का भाव होता है सेवा करो पर सेवा लो नहीं। आप माधवेंद्रपुरी की कथा में देखते हो कि भगवान ने सपने में माधवेंद्रपुरी को कहा कि मेरी मूर्तियाँ छिपाई गई है, इसकी स्थापना करो। माधवेंद्रपुरी ने ब्रज से भक्तों को बुलाकर वो मूर्ति को निकालकर स्थापना की। पर माधवेंद्रपुरी परिक्रम करके थके हुए थे, विश्राम कर रहे थे, जब एक ग्वाले ने आकर कहा, मैं दूध लाया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि लगता है तुम थके हुए हो। तो माधवेंद्रपुरी ने दूध तो पी लिया। उस दिन रात को उसे सपना आया कि वही ग्वाला जिसने उन्हें दूध दिया था, वही ग्वाला क्या कह रहा है, आदेश दे रहा है कि मेरा विग्रह वहाँ छुपाया हुआ है, उसे निकाल कर स्थापित करो। मुसलमान के राज्य के समय अनेक मंदिर नष्ट हो गए थे, कईयों को पुजारी जयपुर ले गए, कई मूर्तियों को छुप दबा कर छुपा दिया और कई नष्ट हो गए। तो माधवेंद्रपुरी को जब पता लगा कि वो ग्वाला जिसने उन्हें दूध पिलाया था भगवान थे, तो माधवेंद्रपुरी ने क्या कहा, उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्होंने भगवान से सेवा ले ली। उसी प्रकार यहाँ आप देखते हो कि सनातन गोस्वामी को जब पता लगा कि वो खीर रूप गोस्वामी ने बनाई थी, तो वो दुखी हुए कि भगवान से हमने सेवा ली। तो सबसे उत्तम भाव ये है हम निष्काम भाव से सेवा करें बिना किसी उम्मीद के, और अगर ये भाव रखेंगे तो फिर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। एक समय रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के इकलौते पुत्र थे, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर कहाँ आए, वृंदावन आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन बहुत गर्मी में तेज धूप थी, जाप कर रहे थे। राधा रानी ने देखा कि ये बहुत तेज धूप है, तो आकर उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी से छाता बना लिया भक्ति सुरक्षा के लिए। तो राधा रानी जी के मन में ये इच्छा रहती है क्या, भक्तों की भी सेवा करें। तो हम भक्तों को क्या करना चाहिए, हम भक्तों को राधा रानी जी से प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमारे में क्या प्राप्त हो, शुद्ध भक्ति का भाव प्राप्त हो। राधा रानी के अनेक गुण हैं, पर उनमें 25 गुण प्रसिद्ध माने जाते हैं। आप सुनना चाहते हो? प्रभुपाद के जो पिता थे वो संतों की देखभाल करते थे बकायदा। जब कोई भी संत उनके घर में आता था उनकी सेवा करते थे, और जब वो संत घर छोड़कर जा रहा था उसे कहते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का प्रसिद्ध भक्त बन जाए। और प्रभुपाद जी के लेक्चर से पहले हम कौन सा भजन गाते हैं, जय राधा माधव।
इसमें क्या है, राधा रानी जी का तो प्रभुपाद जी का खास स्नेह था राधा रानी जी के साथ, उनकी सेवा की भावना थी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे और उन्होंने वहाँ के वातावरण को देखा किस प्रकार प्रजा जुड़ी हुई है भौतिक कार्यों में, तो प्रभुपाद जी ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी। प्रभुपाद जी का एक और नाम था कवि, तो इस कविता में प्रभुपाद जी ने कहा, आप मुझे यहाँ ले आए हो तो कौन सुनेगा आपके दिव्य संदेश को। अंत में उन्होंने कहा, राधा रानी जी की असीम कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो प्रभुपाद जी का पूरी श्रद्धा थी कि राधा रानी जी की असीम कृपा से हर कार्य सफल हो सकता है। प्रभुपाद जी एक समय दसवीं के दिन लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा कृष्ण भगवान के जन्मदिन को हमें रात तक व्रत रखना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण भगवान बड़े पहलवान हैं, स्ट्रांग हैं। पर राधे रानी इतनी दयालु हैं, वो कहती है मेरे जन्मदिन में केवल आधा दिन का व्रत, पूरे दिन के व्रत की जरूरत नहीं। इसलिए राधे रानी के जन्मदिन में क्या आधा दिन का व्रत। तो संक्षेप में अभी समय ओ राम राम, तो राधे रानी के 25 गुण हैं। शी इज वेरी स्वीट, हमेशा यूथफुल। राधे जी के इस प्रकार का भी टाइम हो जाएगा। तो राधे रानी जी के अनेक गुण हैं, और हमें राधे रानी जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। हम राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं, कौन से मंत्र को उच्चारण करके, सप्ता कांचना क्योंकि राधे वृंदारे ऋषिभानु सुर देवी। राधा रानी जो है वृंदावन की रानी है, तो आगे जब राधा रानी हमेशा यही सोचती है ये भक्त मेरे से अच्छा है, ये मेरे से भी अच्छा है। हम तो अक्सर वैसे ही सोचते हैं हम सबसे अच्छे भक्त हैं, है ना। पर हमारे संत महात्मा क्या कहते हैं, वो सबसे तुच्छ है। उदाहरण के लिए कृष्णदास काविराज कहते हैं, मेरे में इतने अवगुण हैं कि तुम अगर मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे। और हमारी स्थिति क्या है, अगर कोई हमारा नाम नहीं ले तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान की शरण में आए। राधा रानी के मन में यही भाव रहता है कि मैं सबसे खराब हूँ, बाकी सारे भक्त क्या हैं मेरे से अच्छे। राधा रानी के मन में यही भाव रहता है। और राधा रानी जब देखती है कि आप प्रयास कर रहे हो उनके शरणागत होने के लिए, राधा रानी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो राधा रानी जी की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी सब भक्तों में क्या है, सबसे प्रसिद्ध भक्त है। और सारी गोपियाँ जो हैं उनके मन में एक ही भाव है, भगवान की सेवा। तो इस शुभ अवसर पर हमें राधा रानी जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, वही टूटियाँ नष्ट हो जाएं और भगवान के शरणागत हो। और जय राधे, जय राधे। नाम में क्या कहते हैं, जय राधे, हरे कृष्णा नहीं कहते। आप लोगों को हरे कृष्णा बोलो वो कहते हैं जय राधे। आपने देखा होगा जब आप ब्रजमंडल परिक्रम करते हो, हम भक्तों को कहते, लोगों को कहते हैं हरे कृष्णा, वो क्या जवाब देते हैं, जय राधे। तो वृंदावन की रानी कौन है, राधा रानी। और राधा रानी से यही प्रार्थना करो कि हमारे अनर्थ सब नष्ट हो जाएं और हम भगवान के शरणागत हो जाएं। हरे कृष्णा।
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare.